गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरे 10 दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था घर में, तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग में मन नहीं लग रहा था। तो मन करता है तभी ब्लॉग करना चाहिए, बिना मन के ब्लॉग नहीं हो पाता है। और यहाँ पर बहुत मंदिर से आवाज़ आ रहा है साउंड, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। पूजा चल रहा, अभी रामनवमी है ना, आज रामनवमी का लास्ट दिन है, तो सोचे हम मंदिर भी जाएंगे शाम को, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। अच्छा, सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा सारा कुछ हो गया है, मैं मतलब फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, नाश्ता वगैरह बनाना है, अभी पानी वानी पी के फ्रेश हो गई हूँ मैं, थोड़ा सा टहल रही थी, जाऊँगी फिर नाश्ता बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत देर टहलने के बाद आप सोच रहे हैं कि थोड़ा नाश्ता उसको बना लेते हैं, जाते हैं आप किचन में सीधे, देखो कितना प्यारा फूल खिला हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं ये भिगो के रखी हूँ, काला वाला किशमिश है, इसको मैं पानी पी जाऊँगी और इसको खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। और ये मैं रखी हूँ बादाम फुला के, ये मैं खाऊंगी और ये भी खाऊंगी थोड़ी देर के बाद ही। और ये मेरा, ये मैं पीना भूल गई थी, सादा पानी पी गई, ये चिया सीड का पानी है फ्रेंड, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी गर्म पानी, देन नींबू डालूँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी। और क्योंकि फ्रेंड्स ने डाइट पे होना तो ये सब करती हूँ मैं, तो ये सब मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी वब्जी काट के ये सब पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये 3 केले का सब्जी बनाऊँगी, 3 केला हम लोग 3 लोगों के लिए इनफ है, इतना हम लोगों को हो जाता है सब्जी, तो अभी मैं इसको काट लेती हूँ। यहाँ पे मेरी सब्जी कट गई है, अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे नाश्ता भी बन के रेडी है और यहाँ पे आंटी आ गई, आंटी भी कह रही थी कि बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हो, वीडियो बनाओ। ना वजह से तो मेरा नाश्ता उसका बन के रेडी है, ये देखो इधर। तो अब मैं जाऊंगी थोड़ा योगा थोड़ा करने के लिए। आंटी बहुत दिन बाद हाय बोल दीजिए, हाय बोलिए ना, हाय हाय हाय। फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी और आंटी दोनों मंदिर की बातें कर रही हैं, मंदिर में क्या देना है क्या नहीं देना है, खाने पीने का सामान, मतलब पंडित जी लोगों के लिए, वही सब इन दोनों बातें कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इन लोगों का वीडियो बना ली। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और मैं दिन में ब्लॉगिंग करना भूल गई थी, नहाने धोने के बाद खाना पीना खिलाया बनाया, उसके बाद मैं सो गई थी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, ब्लॉग को कंटिन्यू करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी भूल गई थी। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो फिर अभी फ़ोन उठाई तो देखा कि अरे मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे याद आया, तो फिर से मैंने कैमरा उठा लिया। तो कोई नहीं, यहाँ पे मैं अपने गार्डन में बैठी हुई हूँ, छोटा सा गार्डन है और उधर भी है, बट यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी हुई हूँ अकेले, अच्छा लगता है। अभी मम्मी आई थी थोड़ा कपड़ा सुखाने के लिए, दिन में भूल जाते हैं हम लोग, काफ़ी धूप भी रहता है तो दिन में नहीं सुखाते कपड़ा, तो शाम को थोड़ा सा सुखाते, जल्दी सूख जाता है, तो वही सुखाए थे अभी। तो फिर मैं आके थोड़ी देर बैठी हूँ, सोची कि मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद तैयार होने के लिए, क्योंकि पास में ही मंदिर है राम जी का, अभी नया स्थापित हुआ है, तो वहाँ सोच रहे हैं शाम को जाने के लिए, तो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ और फिर मंदिर जाती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी वहाँ का सीन कैसा रहता है कैसा है। मैं भी आज पहली बार जा रही हूँ, 9 दिन में पहली बार जा रही हूँ, आज लास्ट, इसलिए मैं सोची कि भगवान के दर्शन करना भी अच्छा ही होता है ना, तो सोची कि आज भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो मिलते हैं शाम को आप लोग से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, लेट भी हो रहा है क्योंकि घर में आके खाना भी जल्दी बनाना है, तो यहाँ पे कुछ अगरबत्ती ले लेती हूँ जलाने के लिए, और
साड़ी पहन ली हूँ, पास में ही जाना है तो ऐसे ही बिना तैयार हुए करती है। तो फ्रेंड्स हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं और हाँ रिद्धि सुंदर लग रहा है एकदम, भीड़ है ना। जस्ट मैं अभी घर पहुंची हूँ और 8 बज चुके हैं, अभी मैं जल्दी से चेंज करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।